क्या बात है भाई, माशाल्लाह अच्छे लग रहे हो। जिंदगी हो तो इसके जैसी, बाप सऊदी में और बेटा यहाँ मजे ले रहा है। चलो तब आज पार्टी करते हैं, अपने आज की पार्टी अपने भाई के नाम, पहले मूवी फिर क्लब। क्या यार घंटा पार्टी, अपनी जेब पूरी खाली है। अब्बा ने जो पैसे भेजे थे वो वक्त से पहले ही खत्म। एक ज़बरदस्त आइडिया है, इस बार 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मंगा ले कोचिंग और प्रोजेक्ट के बहाने। वैसे भी सऊदी रियाल का रेट बढ़ा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ेगा, अपना भी काम हो जाएगा, मस्त चिल करेंगे, मूवी क्लब फुल धमाल। आइडिया तो सही है यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ। ठीक है करते हैं कुछ, अब्बा को फ़ोन लगाता हूँ। अरे साकिब भाई, आपका फोन रिंग हो रहा है। आ रहा हूँ। सलाम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। थोड़ा सा शुगर बढ़ा हुआ है। बेटा तुम कैसे हो? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वो पैसे खत्म हो गए थे इसलिए फोन किया था। पैसा तो मैं तुमको वक्त से पहले ही भेज दिया था, खैरियत तो है? हाँ पैसे खत्म हो गए, अभी एक्स्ट्रा कोचिंग लगाया, एग्जाम आ रहा है ना, तो उसकी वजह से अभी 9,000 में मेरा काम नहीं चल पाएगा। अब आप महीने के 15,000 भेजिए कम से कम। तुम तो कोचिंग पहले भी किए थे, नया कोचिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? तुमको मालूम है ना बेटा मेरा तनख्वाह कितना है, इसी में गुजारा करो ना। वैसे भी हमारे ज़माने में कोचिंग उचिंग कहाँ था, ये सब हम लोग स्कूल कई किलोमीटर पैदल ही जाते थे। ठीक है अब्बा, तो यहाँ मैं कौन सी याशिया कर रहा हूँ, फिर से आपका लेक्चर शुरू हो गया। रखो यार फोन, यार आप बात खराब कर देते हो यार। अरे साकिब भाई, ये टाइम पे बेटे का कॉल, सब खैर तो है? अरशद भाई, बेटे को अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। भाई महीने का आखिरी चल रहा है, वरना मैं आपकी मदद ज़रूर करता। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप ऑफिस से लोन ले लो। इससे पहले भी कई बार ले चुका हूँ, लास्ट टाइम तो मैनेजर बोला था कि इसके बाद फिर नहीं, अब क्या मुंह लेके उसके पास जाऊं? भाई बाप वो होता है, वो वहाँ भी हाथ फैलाता है जहाँ वो पाँव रखना भी पसंद नहीं करता। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, आप जाओ मैनेजर साहब के पास। मैं जा सकता हूं? साकिब कैसे हो, बताओ कैसे आना हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं सर, इस महीने में कुछ एडवांस देना चाहिए था मुझे, बच्चे के कोचिंग का फीस देना है। मालूम है सर पिछले बार आपने मुझे मना किया था, सर मजबूरी है क्योंकि बच्चे के बोर्ड का एग्ज़ाम का सवाल है। खैर वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, लड़कपन में कदम बहकना कोई नई बात नहीं, इनफैक्ट जब बच्चे जवान होते हैं उन पर पहले से भी ज़्यादा नज़र रखना ज़रूरी होता है। साफ लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ, कहीं तुम्हारा बेटा तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा? सर वो मुझे क्या बेवकूफ़ बनाएगा सर, बाप हूँ बाप, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। वैसे भी अगर वो कुछ करता है तो वो अपना फ्यूचर ख़राब करेगा, मैं हरा के ऐसे भी क्या कर सकता हूँ। खैर मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन ये आखिरी बार दे रहा हूँ, ठीक है? मैं अकाउंटेंट से कह दूँगा, जाके उनसे ले लेना। थैंक यू। मैं कविन सर, ये चीता बनेगा, लौंडा कलेक्टर बनेगा ये पढ़ के। ये देखो ये हैं किताबी कीड़े, इनके जैसे लोग ना, मतलब एक इन जैसों के लिए एक वर्ड होता है, वो बुक वर्म होता है, कीड़ा बोलते हैं, मतलब ये बनेगा। क्या क्या भाई क्या, ये डॉक्टर कल सिंह सर ने बोला था इन जैसों के लिए
कि जिंदगी एक बार मिलती है, इसको एंजॉय करना चाहिए, और ये लोग हैं इसी में लगे रहते हैं। इनके लिए एक शेर मुझे याद आया, कभी पार्टी कभी क्लब कभी सिनेमा जाएंगे, और जब भी पैसा कम पड़ेगा अब्बा ही काम आएंगे। चलो छोड़ो, चल चल चलो छोड़ो, चल चल, काफी है, काफी आज के लिए, काफी है आज के लिए, काफी है। बेटा पैसा भेज दिया है वेस्टर्न यूनियन से, निकाल लेना। हाँ और देखो पढ़ाई मेहनत से करना थोड़ा। हेलो, ओए कहाँ है? हाँ रूम पे हूँ। मूवी चलेगा? पैसे आ गए क्या? हाँ यार पैसे आ गए ना, अभी मैं ऑनलाइन टिकट बुक करता हूँ, ठीक है? ये रोज टॉकीज का चलते हैं, जवान मूवी देख कर आते हैं, उसके बाद चलेंगे पूल खेलने। भाई साहब कुछ हुआ? काम मिलेगा क्या? कैसा काम? कुछ भी, पंचर जोड़ने का, पंचर जोड़ने का या हेल्पिंग करने का, कुछ भी। तुमको देख के तो लगता नहीं काम करने का एक्सपीरियंस है कुछ? नहीं एक्सपीरियंस तो नहीं है। अरे यार जाओ 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 जाओ, आ जाते लोग पता नहीं कहाँ से। हेलो महफूज बेटा, खालिद भाई का कॉल आया था, बोल रहे थे कि उनके दोस्त का एक बेटा नया कंपनी शुरू किया है दिल्ली में, ऑफिस बॉय का ज़रूरत है उनको, 12,000 सैलरी मिलेगा, लेकिन बॉस के घर पर शाम में 4 घंटा काम करना पड़ेगा। अरे महफूज तुम? बिलाल तुम लोगे मेरा इंटरव्यू? हाँ असल में ये कंपनी मेरी ही है, और डिग्री करने के बाद मैंने बहुत स्ट्रगल किया, दिल्ली मुंबई कोलकाता सब जगह काम किया, फिर समझ में आया कि नहीं यार अपना काम शुरू करना चाहिए। बस दुआ करो महफूज, अल्लाह कामयाबी दे, दिल्ली में बहुत कंपटीशन है, तुम कुछ लोगे क्या? बस मुझे नौकरी दे दो, कुछ नहीं चाहिए। इंसान दूसरों को धोखा दे रहा होता है, हकीकत में वो अपने आप को धोखा देता है। वक्त की कदर करना सीखो, क्योंकि वक्त बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वो वक्त की कदर नहीं अफसोस कहलाता है। इंसान की असली पहचान उसकी संगत से होती है, जो दोस्त बुराई के रास्ते पे ले जाएं वो असल में दोस्त नहीं बल्कि आपके दुश्मन हैं।